जिले के भीतर अचानक बड़े दहेज के लोभी, रोजाना दहेज प्रताड़ना को लेकर करवाई जा रही शिकायत, 3 महीने के भीतर लगभग 1 सैकड़ा दर्ज हो चुके मामले। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह रचाने वाले नवविवाहिता कर रहे दहेज के लिए प्रताड़ित, शासन के लाखों रुपए खर्च कर गरीबों की शादी करवाने की योजना भी दहेज लोभियों के आगे हो रही नाकाम। दो वर्ष के लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा और राज्य वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा की गई आयोजित, शहर के 27 केंद्रों में आयोजित की गई परीक्षा। बालाघाट मंडला मार्ग पर तुमड़ी टोला के पास हुई घटना, मोटरसाइकिल और कार में हुई भिड़ंत, घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 लोग हुए घायल। लालबर्रा के बजरंग मंदिर में श्रावण मास के शुरू होने पर शुरू हुआ अखंड रामायण पाठ का आयोजन, बीते कई वर्षों से किया जा रहा है आयोजन, श्रावण मास के अंत तक जारी रहेगा अखंड रामायण पाठ। के लिए एक शिक्षिका को ससुराल पक्ष के लोगों ने किया प्रताड़ित, किरणापुर थाने के देवगांव की घटना, शिक्षिका की शिकायत पर शिक्षक पति सहित सास ससुर के विरुद्ध दर्ज हुआ मामला। छब्बीस जुलाई से हायर सेकेंडरी स्कूल के साथ साथ खुल जाएंगे छात्रावास, परिजनों की अनुमति के बाद मिलेगा छात्रावास में छात्र को एडमिशन। रविवार को ही छात्रावास खुलने संबंधी जानकारी लेने के लिए पहुंचे परिजन, कर्मचारियों के नहीं मिलने पर हुए निराश, छात्रावास अधीक्षक ने दी जानकारी, 26 जुलाई से शुरू होगा प्रवेश। सोमवार से शुरू हो रहा है सावन मास के लिए शिव मंदिरों में तैयारी पूरी, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन के साथ ही कावड़ यात्रा पर लगेगी रोक, कावड़ यात्रा पर रोक से लोगों में दिख रही निराशा। बालाघाट बारासुनी रोड पर आरटीओ कार्यालय के पास आपस में टकराई 2 मोटरसाइकिल, घटना में 4 युवक हुए घायल, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। ग्रामीण थाना के अंतर्गत दुगलाई गांव में 7 वर्ष की बच्ची की पानी से भरे गड्ढे में गिरने से हुई मौत, खेलने के दौरान हुआ हादसा। शहर में संचालित दीनदयाल रसोई पर नहीं थम रहा विवाद, नगर पालिका ने रविवार को बनाई वैकल्पिक व्यवस्था, महिला कर्मचारी से करवाया गया रसोई का संचालन। लालबरा मुख्यालय से लगी हुई मानपुर पंचायत के वार्ड नंबर 3 हॉस्पिटल कॉलोनी में नाली की साफ सफाई नहीं होने से स्थानीय जन परेशान और मच्छर से प्रकोप से मौसमी बीमारी का बड़ा खतरा। उकुआ पुलिस चौकी के अंतर्गत आमाटोला गांव में एक व्यक्ति के कुएं में गिरने से हुई मौत, मृतक पंकज मस्कोले 29 वर्ष के घर के पीछे कुएं से बरामद किया गया शव।